ये देखिए कितना क्रिस्पी है, देखिए। आज की रेसिपी है ब्रेड पॉकेट की। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत कम टाइम में भी बनती है। आप इसे पहले से ही बना के रखिए, आपके घर पे अगर गेस्ट आने वाले हो तो उनके आने के पहले इसे तलेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं, ब्रेड पॉकेट की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आप सबका स्वागत है साक्षु रेसिपी में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड पॉकेट की रेसिपी। तो आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है और इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ बना के खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं जिसे मैंने हाथों से ही कद्दूकस कर लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया फ्रोजन मटर जो मैंने 2 चम्मच लिए हैं। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, तिल ली है आधा आधा चम्मच लिया है दोनों, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है, और नमक स्वाद अनुसार लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे सौंफ ली है आधा चम्मच, और जीरा भी लिया है आधा चम्मच, और मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर और ये है आमचूर पाउडर आधा आधा चम्मच दोनों, और यहाँ पे कोरिएंडर लिया है मैंने, रफली चॉप कर लिया है, कड़ी पत्ता लिया है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें लगेगा ब्रेड। यहाँ पे मैंने होल व्हीट ब्रेड लिया है, ये गेहूं के आटे से बना है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और थोड़ा सा पानी हमें ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए थोड़ा पानी लगेगा, तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है। तो चलिए बनाते हैं। फिर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसे मैंने लो फ्लेम पे रखा है। जैसे ये गर्म हो जाए तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल गर्म होती इसके अंदर हम अभी डालेंगे। जीरा, और यहाँ पे हम ये सारे मसाले डाल देंगे। तेल डाल दी है अभी, कड़ी पत्ता, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। फ्रोजन मटर डाले अभी, आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर, आलू, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें करना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। मैंने यहाँ पे स्टील की कढ़ाई ली है इसलिए चिपक रहा है, आप यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, ये कश्मीरी लाल मिर्च लिया है जो ज्यादा तीखा नहीं है। अभी फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इन मसालों को 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है क्योंकि ये ब्रेड ऑलरेडी बेक होता है, तो इसमें हम ये मसाले पूरा मतलब अच्छी तरीके से भून जाए उसके बाद ही हम इसमें स्टफ करेंगे। और ब्रेड को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। इस स्टफिंग को आप ब्रेड के अंदर डालने के बाद सिर्फ 1.5 मिनट में वो तल सकते हैं हम इसे। और इसके अंदर अब मैं नमक डालूंगी, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये बन के बहुत अच्छे बन के रेडी होती है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, हाथों से ही इसे मैंने अच्छे से रब कर लिया है। अब धनिया पत्ती,
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और नए अच्छे वीडियो बना सकूं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, इसे हम अभी साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इसके मैंने साइड कट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिए साइड को। ये इसलिए करना होता है ताकि हम जब बाइंडिंग करते हैं तब ये बीच में ना आए। और अभी हमें इस ब्रेड की साइड को फेंकना नहीं है, इसकी भी मैं अभी आपको लास्ट में एक रेसिपी दिखाऊंगी, ये भी यूजफुल है। अभी साइड में रख देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक ब्रेड लिया है, उसको बीच में से कट कर लिया है, एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया है। इसके नीचे मैं थोड़ा पानी लगा लूंगी और अभी स्टफिंग भर देंगे इसके अंदर। स्टफिंग को पूरा ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हमें भरना है। इस तरीके से हम इसे अभी फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा हाथ पानी का भी ले सकते हैं और इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में दे सकते हैं। और इसे अब हम थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। और इसके सारे एजेस को हमें अच्छे से सील कर देना है ताकि जब हम तलेंगे तेल में तो ये बाहर ना निकले। इस तरीके से हमें यहाँ पे सारे पॉकेट्स, ब्रेड पॉकेट्स बना लेने हैं इसके अंदर। ये देखिए मैंने कैसे बनाया, इसकी सारी एजिंग हमें अच्छे से सील कर देनी है। और अब हम इससे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर पनीर या कॉर्न, चीज ये भी सब डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली ऑप्शन है। हमने कढ़ाई के ऊपर तेल रख दिया, इसके अंदर अब हमें ब्रेड पॉकेट डाल देंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको और कौन सी नई नई रेसिपी चाहिए वो भी मुझे बताइए। मैं ऊपर आई बटन की लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं मेरी रेसिपीज। और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए नई नई रेसिपी बनाने के लिए। अभी हम ये दूसरी भी ब्रेड पॉकेट डाल देते हैं। ये बन के बहुत अच्छी निकलती है, हमें इसे तलने में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। आपके घर पे मेहमान आने वाले हो तो आप इसे पहले से ही बना के रख सकते हो और फिर रखने के बाद आप इसे तल भी सकते हो। तो इस तरीके से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप देखिए ये कैसे बना है, इस तरीके से हमें बनाना है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। ये सबसे सिंपल वाली फिलिंग थी। आप इसके अंदर कॉर्न, चीज, आपको जो पसंद हो आप वो फिलिंग्स डाल सकते हैं इसके अंदर। स्टफिंग डालिए और बनाइए, इंजॉय कीजिए। शाम की चाय के साथ इसे आप बना के खा सकते हैं। इसे हरी चटनी या सॉस के साथ भी बना सकते हैं। देखिए ये बन के रेडी हो चुका है, इस तरीके से ये बनती है। अगर आपने ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स जो हमने लिए है उसे हमें फेंकना नहीं है, ब्रेड की साइड को। इसे हम अभी एक पैन में भून लेंगे अच्छी तरीके से और इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। पैन गरम हो चुका है, इसके अंदर अब मैं ये साइड ब्रेड की साइड डाल दूंगी और इसे अच्छे से भून लेना है। ये आप किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ब्रेड क्रम्स की जरूरत पड़े वहाँ पे। बस इस तरीके से अब हम इसे मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसका फाइन पाउडर कर लेंगे इस तरीके से। और आप फिर इसे यूज कर सकते हैं कटलेट या फिर मंचूरियन वगैरह जो कुछ भी बनाना उसके अंदर। देखिए ऐसे बन के रेडी होता है।
अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।